सत्येंद्र, ये तो कांग्रेस की कहानी हो गई। बीजेपी में अहिरवाल बेल्ट का पूरा ठेका राव इंद्रजीत सिंह के पास, 11 सीटें विधानसभा की, 11 में से 8 जितवा कर ले गए। वो इतनी बुरी तरह नाराज है, 10 साल तक गुजारिश करने के बाद बेटी आरती को टिकट मिला, ये क्यों मेहनत करेंगे भाई राव इंद्रजीत सिंह? वही कहानी यहां भी है। अनिल विज क्यों मेहनत करेंगे उत्तरी हरियाणा में, जब पता है कि खट्टर चले जाएंगे तो भी नायब सिंह सैनी कोई आएगा निकलकर? देखिए गरिमा, अगर आप पूरे इस तस्वीर को समझें तो देखिए, राव इंद्रजीत अभी से नहीं, जब वो कांग्रेस में भी केंद्रीय मंत्री होते थे तब भी दावा ठोकते थे। हरियाणा के एक बड़े दिग्गज नेता हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके बेटे उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो एक जवाब देते थे कि और राजनीति में मैं घास काटने आया हूं। तो देखिए, ये राजनीति में भी, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में लगाइए, कोई भी व्यक्ति एक बड़े पद पर जाना चाहता है। जो विधायक है वो मंत्री बनना चाहता है, जो मंत्री है वो फिर गृह मंत्री बनना चाहता है, जो गृह मंत्री है उसका सपना होता है मुख्यमंत्री बनना। और ये कांग्रेस में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी है। अभी आपने अनिल विज जी को सुना होगा, वो कह रहे थे कि अब की बार मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और पार्टी से मांग करूंगा सीनियोरिटी के हिसाब से मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन आप ये चीज भी देखिए, ये वो वही अनिल विज हैं जो मनोहर लाल के साथ गृह मंत्री होते थे, और नायब सिंह सैनी के बनने के बाद उन्हें मंत्री तक नहीं बनाया गया, गृह मंत्री का पद भी चला गया, और यहां तक कि चुनाव प्रचार की एक कमेटी बनाई गई उसमें भी अनिल विज का कहीं नाम नहीं डाला गया। जब अनिल विज दिल्ली गए और पार्टी आला कमान से और प्रभारियों से मिले, तब जाकर बाद में एक नई लिस्ट अगले दिन आती है और अनिल विज का नाम ऐड किया जाता है। तो ये जो बातें हैं, ये तो अनिल विज की बात हुई, पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी है। के मामले में तो उल्टा हो रहा है क्या? विधानसभा से निकलकर आदमी संसद जाना चाहेगा, वो संसद में बैठे हुए हैं, वो शामिल हैं मंत्री परिषद में, भले ही राज्य मंत्री के तौर पर सही, वो भी दावा ठोक रहे हैं। तो ये यहां पर कहानी खत्म होती है क्या कि दक्षिणी हरियाणा में 11 में से 8 का जो एक कंसोलिडेशन है बीजेपी के पास, वो गिव अप करेंगे? सिद्धार्थ कह रहे हैं कोई घर पर थोड़ी बैठे। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिद्धार्थ भी सही कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आप देखिए, अगर हरियाणा की बात करते हैं तो दक्षिणी हरियाणा, खासकर जिसे अहिरवाल कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रिसर्च सेंटर है, क्योंकि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का जो योगदान है या फिर अहिरवाल से जो सीटें आती हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करती हैं। अब अगर हरियाणा को आप इलाके की वाइज से देखें तो जो सेंट्रल हरियाणा है, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, वो एक गढ़ भूपेंद्र हुड्डा का बन गया है। राव इंद्रजीत ने साउथ हरियाणा में अपनी पकड़ बरकरार रखी है, और बार बार वो यही दावा, जब भी चुनाव आते हैं, हर चुनाव में जब वो कांग्रेस में होते थे तब भी वो यही दावा करते थे कि मुख्यमंत्री बनूंगा मैं। वो मेहनत करेंगे क्या? दावा लगातार उनका चलता आ रहा है। ताकत है 11 सीटों पर राव इंद्रजीत, देखिए वो मेहनत करेंगे या बैकआउट कर जाएंगे कि मिलना कुछ है नहीं राज्य मंत्री? देखिए फिलहाल अब अगर राव इंद्रजीत की बात पर आप गौर करें, मुख्यमंत्री बार मनोहर लाल जी पहली बार सांसद बने, उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, लेकिन राव इंद्रजीत इतने सीनियर नेता हैं, पिछली कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में पिछली सरकार में भी मंत्री थे, उनको राज्य मंत्री मिला, उन्होंने उस समय भी अपनी टीस निकाली थी, और अब चूंकि चुनाव में उनकी बेटी आरती राव चुनाव लड़ रही हैं, अगर राव इंद्रजीत दक्षिणी हरियाणा में ये दावा नहीं करेंगे कि मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो उनके साथ जुड़ेगा कौन? और दूसरी बात, कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के टाइम में भी और भारतीय जनता पार्टी के टाइम में भी केंद्रीय नेतृत्व को आंख दिखाने का मौका नहीं छोड़ते, लेकिन मेहनत करेंगे उनके साथ, ये ट्रैक्स ऑफ द स्टोरी, किस्मत ऐसी है कि उन मेहनत करेंगे जमीन पर। अनिल विज भी लड़ेंगे उत्तरी हरियाणा में उतनी ताकत से, और राव इंद्रजीत सिंह भी लड़ेंगे उतनी ताकत से दक्षिणी हरियाणा में। देखिए फिलहाल तो अनिल विज भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और राव इंद्रजीत भी लगे हुए हैं, और राव इंद्रजीत के लिए सबसे अहम सवाल इस समय है आरती राव को चुनाव जिताना, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय
नेताओं से बड़ी जोर जबरदस्ती के साथ ये टिकट मांगी है। अगर अनिल विज की बात करें तो अनिल विज अंबाला से बाहर नहीं निकले हैं, हरियाणा में कहीं पे भी चुनाव प्रचार करने नहीं गए हैं। और यहां पर एक दिलचस्प तस्वीर कल अंबाला से आई कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अनिल विज का चुनाव प्रचार करते हुए अंबाला में दिखे, जबकि शुरू से लेकर आखिर तक उनका 36 का आंकड़ा रहा है। अब बात यह है कि अनिल विज सिर्फ अंबाला तक सीमित रह गए हैं और लग ऐसा रहा है कि दक्षिणी हरियाणा में राव इंद्रजीत भी कहीं ना कहीं अटेली विधानसभा तक सीमित रह गए हैं। वही सवाल मैं पूछने की कोशिश कर रही थी सत्येंद्र, अपनी बेटी सबसे ज्यादा 11 पर मेहनत क्यों करेंगे, वो एक सीट है उनके इंटरेस्ट की अटेली, आरती राव जहां से खड़ी है उस पर मेहनत करेंगे। अब अनिल जी